Hello everyone, my name is Nivesh Kasyap. I'm a student at Faculty of Law, University of Delhi. So today, this is the second video regarding how you should prepare for DU LLB Entrance Examination 2022. And इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको लीगल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस के जो क्वेश्चन होते हैं जो DU LLB में आता है उसको आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक रेफर करना है, इन सब सारी चीजों पर बात करेंगे. मेरा फर्स्ट वीडियो में मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है, उसको उसका वेटेज क्या होता है, तो आप उसको वीडियो को देख सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा. तो आज हम बात करेंगे कि आपको लीगल एप्टीट्यूड कैसे करना है. तो सबसे पहले मैं वेटेज बताता हूँ इस सब्जेक्ट का कि ड्यू एलबी में आपका इसका वेटेज कितना होता है. तो जैसे मैं बताता कि 20-25 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से होते हैं और अराउंड 30-35 क्वेश्चन जो होगा आपको लीगल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस से होगा. उसमें आपको इम्पोर्टेंट जजमेंट लाइक करंट का भी इंक्लूड उसमें कर लो, कमिटीज कमीशन ये सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होंगे. तो लाइक 60-70% जो आपका क्वेश्चन होगा एक पेपर में वो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल से होगा. तो हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं. और जो हमारा थर्ड वीडियो होगा वो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग होगा और लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के रिगार्डिंग होगा. तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस पर. तो सबसे पहले मैं आपको बुक बता देता हूं. आपके पास जनरली तीन बुक बच्चे रेफर करते हैं. जैसे कि आप यूनिवर्सल का कर सकते हो, आप सिंगल का कर सकते हो और एक एपी भारद्वाज की बुक आती है उसको रेफर कर सकते हो. तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि आपको ड्यू एलबी एंट्रेंस के लिए कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी लोग देते हैं और मेरे ओपिनियन में भी वो अच्छी बुक है, दैट इज सिंगल की गाइड आती है, काफी मोटी है, दिखाता हूं मैं. तो ये गाइड है, एक यूनिवर्सल की आती है वो आप उसको रेफर कर सकते हो और एक एपी भारद्वाज की ये आती है. ये स्पेशली लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के लिए ही आती है. तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करता हूं कि इन तीनों बुक में डिफरेंस क्या है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको लीगल एप्टीट्यूड के बारे में, पॉलिटी अदर सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए. तो अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है, आप इससे करो. इसमें क्वेश्चन भी काफी अच्छे दिए हुए हैं, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक आईपीसी से, टॉट्स, कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको ये तीन सब्जेक्ट, इंडियन पिनल कोड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉट्स, ये बिल्कुल अच्छे से करके जाना है. और इसके अलावा जैसे आप थोड़ा सा फैमिली लॉ आईपीआर को भी देख लेना, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल. तो ये था सब्जेक्ट, पहले हो गया सिंगल. सेकेंड, अगर आप और इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो, स्पेशली कवर करना चाहते हो और अच्छे से क्वेश्चन करना चाहते हो, तो ये बुक मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ये बुक ज्यादा बेहतर है. क्योंकि मैं एक्चुअली तीनों प्रैक्टिस किया था, बट आप किसी एक को करना दैट इज मोर देन सफिशियंट, तो ये कर सकते हो. इसमें क्या सबसे खास है कि इसमें जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो उसके बाद इसमें क्वेश्चन काफी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड है ऑल अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा. तो अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपको इसको रेफर करो या किसी एक को ही करना है, ज्यादा नहीं करना है. बट मैं अगर एक यूनिवर्सल की बात करूं, कुछ लोग के पास यूनिवर्सल होगा, जैसे वो भी दिखा देता हूं आपको मैं, ये हो सकता है. तो ये मैं क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूं, बिकॉज मैं रीजन बताता हूं आपको, क्योंकि इस बुक में ना आपको लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे. कि आपको जैसे सिचुएशन वाइज क्वेश्चन होता है ना, जो कि ड्यू एलबी में काफी रेयर क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो भी लास्ट ईयर आया था एक दो, उससे दो तीन साल पहले तक नहीं आ रहा था. तो लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन आपको सिचुएशन दिया जाएगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें सिचुएशन बेस्ड होकर के आपको आंसर देना होगा, जो कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी आप दे सकते हो. तो इसमें आपको उस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा स्टार्टिंग में ही. लेकिन जो लीगल अवेयरनेस है लाइक आईपीसी से डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन से भी पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, उसके कॉन्सेप्ट से पूछ दिया जाएगा. टॉट्स में आपको जनरल डिफेंसेस उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपको अग्रीमेंट, कंसिडरेशन, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, एक क्वेश्चन होगा उसके साथ चार ऑप्शन होगा, उसको आपको टिक करना. तो ऐसा क्वेश्चन इसमें सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ अच्छे से. बट अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो भी कर सकते हो, उतना डिफिकल्ट नहीं है. बट मैं रिकमेंड करूंगा आप इस बुक को रेफर करो, ये काफी हेल्पफुल करेगा आपको. और इसमें लीगल मैक्सिम्स भी अच्छे से दिए हुए हैं, जैसे कि आपको
डायनेम साइनिंग यूरिया का मीनिंग पूछ देगा कि इसका मतलब क्या होता है किस तरीके से। तो अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बुक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दैट इज डी यू एल बी मॉक टेस्ट। ये बुक मैंने खुद लिखी है, इसमें मैंने ट्राई किया है कि जब मैं प्रिपेयर करता था जो मेरे नोट्स थे उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया स्टार्टिंग के 20-25 पेजेस में। काफी इसका मैं कंप्लीट रिव्यू ऑलरेडी डाल चुका हूं, और इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, तो अगर आप चाहो तो रिविजन पर्पज के लिए इसको ले सकते हो। कोई रूल नहीं है कि लेना ही है, बट एज यू विश। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर लीगल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस फॉर द ड्यूल एलबी 2022। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और करेंट अफेयर्स आपको कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस पर। तो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।